मतलब आमिर खान को स्पेशलिस्ट वैसे ही नहीं बोलते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री का। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर। जी हाँ, तो साथ में देखेंगे लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान रोल प्ले कर रहे हैं लाल सिंह चड्ढा का। ये एक रियल स्टोरी बेस्ड मूवी है, तो चलिए ट्रेलर साथ में देखते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। आप में से जिनने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आए तो, कमेंट करें अगर आपको पसंद नहीं आए तो, और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। जो भी हुंदा है वो हम कर दे या फिर हम हवा विच ऐवें ही उड़ते फिर दे। हाँ सही बात, यहाँ से वहाँ। पंजाबी सरदार का रोल प्ले कर रहे हैं लाल सिंह चड्ढा। हाँ, तुम्हारे बहन को क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैं तो बिल्कुल चंगा हूँ। कहाँ रहते हो? अपने घर विच। तो क्या? नहीं जी, मैं तो बिल्कुल चंगा। हाँ, मतलब देखो ये नहीं कह रहे कि ना आपका बच्चा अलग है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट, कुछ होते हैं नॉर्मल, और मोना सिंह से कम, जैसे आपका लाल। मैं ले लेता हूं। ओए तू अपना काम कर, वो खुद उठा। मतलब ये ऐसा फील नहीं करा रही कि भाई थोड़ा मतलब स्पेशल चाइल्ड है। भाग लाल भाग। अब कुछ लोग विश्वास नहीं करते पर जिंदगी में चमत्कार होते हैं जी। हां इसी की स्टोरी है लाल सिंह चड्ढा की। ये वाला हैंडीकैप। मम्मी कहती थी कि हर एक दी अपनी तकदीर होती है, कि सारा कुछ लिखिया होता है। बिल्कुल। और भी जो निकली थी लिखिया है सब। किसने लिखा? करीना कपूर भी हैं। क्यों लिखिया है जो लिखिया है? मतलब इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे साथ ब्याह करेगी। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो लाल, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो सकता। 11th of August। ओहो बाल बड़े कर लिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आर्मी की दिखा रहे हैं ना। विस्फोट। ओह माय गॉड, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ। यार आमिर खान का डबल रोल है क्या? डबल रोल क्यों है जी? मम्मी कहती थी कि जिंदगी गुलगप्पे जैसी होती है। हाँ। पेट पले ही पर जावे, मन नहीं पर जावे। अच्छी बात है। पता हमें लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा। सही बात सही बात है। हमें क्या पता कि हम कहानियों में कहानियां हम में हैं। सही बात है नहीं? बिल्कुल। तो दोस्तों सच में ट्रेलर ऑसम था। मतलब आमिर खान को स्पेशलिस्ट वैसे ही नहीं बोलते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री का। बहुत सोच समझ के स्टोरी सिलेक्ट करते हैं ये, और जो भी स्टोरी सिलेक्ट करते हैं उसको सुपर डुपर हिट बना देते हैं। बहुत यूनिक होती है। मतलब हाँ, सच में साल में मतलब एक मूवी सुपर डुपर हिट। हाँ। सारे रिकॉर्ड तोड़ देने वाली। दंगल का रिकॉर्ड अनब्रेकेबल बना दिया जिन्होंने। मतलब सच में मूवी बहुत औसम है। सच में मतलब रियल स्टोरी बेस है। कितने इमोशंस भरे हुए हैं इस मूवी में, कितने इमोशंस भरे हुए हैं। और साथ में मतलब ये दिखा दिया कि ये बंदा हैंडीकैप था लेकिन इसकी माँ के विश्वास नहीं। मतलब एक माँ का विश्वास कुछ क्या कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता। बिल्कुल। और गाइस पता है क्या, मेरा ऐसा मानना है कि हमारा दिमाग ही सबसे ज्यादा वो होता है। बिल्कुल है ना। अगर हमने अपने दिमाग में सोच लिया ना कि ये चीज नहीं होगी, चाहे हम उसके लिए कैपेबल हो या ना, वो कभी भी नहीं हो सकती। कभी भी नहीं हो सकती। और कोई चीज नहीं भी हो सकती ना, हमने ठान लिया, हमारे दिमाग ने एक बार सिग्नल दे दिया कि ये हो जाएगी, तो हो जाएगी आराम से कर सकते हैं। और इसमें ना इसकी माँ इसके बारे में बोल रही है, बेटा तुम नॉर्मल है, ये बात हमेशा याद रखियो। मतलब उसके दिमाग में बिठाया ही नहीं कि आप डिफरेंट हो लोगों से, आप स्पेशल चाइल्ड हो। उसको यही समझाया कि आप नॉर्मल हो, बिल्कुल बाकी बच्चे जैसे हो। और मैंने इसको प्यार में थोड़ा सा वो मिला कि भाई साहब उसका साथ नहीं दिया उसने, क्योंकि ये अलग है। हाँ, बिल्कुल। फिजिकली फिट होने के बाद भी भोलापन दिखाया हुआ। हाँ। बहुत ज्यादा भोलापन दिखाया हुआ। मतलब क्या बताऊं यार, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। हाँ। बहुत अच्छा लगा मेरे को ट्रेलर। हाँ। और स्पेशली आमिर खान की मूवी है तो
सुपर डुपर हिट होने वाली है। मतलब उनकी माँ ने बचपन से ये कहा कि भी किसी की तरफ देखना ही नहीं है कि मेरी मदद करो, चाहे वो दो घंटे लेट हो जाए पर खुद करो। मतलब जैसे वो बैग लेके जा रहे हैं, जितना हो सके एटलीस्ट उतना ही उठाओ। और वो हेल्प करने के लिए चले थे तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि भी क्यों हेल्प करनी है ना। और उसी विश्वास के साथ ऐसा हुआ कि देखो उनकी टांगे बिल्कुल ठीक भी हो गई। हमें नहीं पता है ये किसी मूवी की रीमेक है या क्या है, लेकिन आमिर खान बना रहे हैं तो आई एम डैम श्योर अगर ये रीमेक भी है तो ये ओरिजिनल से अच्छी होने वाली है। बिल्कुल, बहुत अच्छा ट्रेलर। इन्होंने इतना काम किया होगा ना इस रोल के लिए बहुत ज्यादा, ये अच्छी ओरिजिनल से भी अच्छी होने वाली है अगर वो रीमेक है तो। वैसे रीमेक लग नहीं रही है मेरे को, ओरिजिनल स्टोरी है तो देखते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी आ जाएगी, अगस्त में रिलीज हो रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ इस वीडियो करेंगे यहीं पे खत्म, मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको हमारी रिएक्शन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। किसी नई वीडियो का अगर आपको रिएक्शन चाहिए हो तो हमें सजेशन जरूर करें कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ इस वीडियो करेंगे यहीं पे खत्म, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।